नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो चाल, चरित्र और दोगलापन। जी हां, कल प्रयागराज में राहुल गांधी ने संविधान सम्मान समारोह में वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। भाषण खत्म हुआ, फिर शुरू होता है बीएसपी प्रमुख मायावती के ट्वीट का सिलसिला और एक के बाद एक हर ट्वीट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की के जो है चरित्र को दर्शा रहा है। ये मायावती कह रहे हैं और उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि अब जीवन में कभी भी सपा और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बाबा साहब के धुर विरोधी है। अब ये दलित प्रेमी का नाटक कर रहे हैं, दोगलापन है इनका, इसलिए हमने कहा चाल, चरित्र और चेहरा। और इसको लेकर ओपी राजभर, उन्होंने भी बयान दिया है। एक बार आपको ओपी राजभर का वो बयान सुनवाते हैं, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे, सुनिए। और आपको बता दूं, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया, नवासी में, याद होगा आप लोगों को, नवासी में मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। बीजेपी ने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। बीजेपी ने संजय निषाद जी को नेता बनाने का काम किया। बीजेपी ने अनुप्रिया पटेल जी को नेता बनाने का काम किया। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को नेता बनाने का काम किया। सपा बसपा कांग्रेस ने क्या किया? लोडर बनाया। यहां लीडर बन रहे हैं। तो मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट सिलसिलेवार तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जब इनकी सरकार थी, जो आज दलित प्रेमी बन रहे हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर को इतना मान सम्मान दे रहे हैं, जब इनकी सरकार थी तो उन्होंने न जीते जी उन्हें सम्मान दिया, ना उनके मरणोपरांत, ना उन्हें भारत रत्न उनके जीते जी दिया और ना ही मरणोपरांत। क्या ये दलित प्रेमी है? इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल हो रहे हैं, एक बार पर्चा आपका करवा देते हैं। शांत प्रकाश जाटव भारतीय जनता पार्टी, अनुज शिवहरे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा है और आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। पूजा मिश्रा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। कल जिस तरीके से मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट किया और उनके ट्वीट में, लगभग हर ट्वीट में, हर उनके वक्तव्य में, बयान में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कॉमन था। उन्होंने कहा कि आज ये जो दलित प्रेमी बन रहे हैं, ये दलित प्रेमी हैं क्योंकि इन्होंने बाबा साहब को सम्मान दिया नहीं। और फिर क्रिमिनल एयर आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि आपने खुलकर समर्थन नहीं किया और आप कह रहे हैं कि भाई आप पीडीए का फॉर्मूला लेके साथ चल रहे हैं। पीडीए है कहां मायावती के अकॉर्डिंग? पूजा जी, आपको नमस्कार शिवम जी और सभी साथी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, मायावती थोड़ा सा घबरा गई है क्योंकि इसके पहले उनको कभी ये चीज का अंदाजा ही नहीं रहा कि उनकी जमीन भी खिसक सकती है। 2024 के इलेक्शन आए, आपने भी देखा होगा, भले उनके जो है वो चाहे उनको सीटें मिले या ना मिले शिवम जी, उनको जो है उनका वोट प्रतिशत था वो मेंटेन रहता था, 19-20 का ही डिफरेंस आता था। पहली बार 2024 में ऐसा हुआ शिवम जी कि उनका जो वोट परसेंटेज है ना वो घट के पहुंच गया 9%, इसलिए वो घबरा गई। भाजपा, हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाजपा की जो है बी टीम रही है, हालांकि भाजपा ने 2014 में सरकार बनाई, 2019 में भी भाजपा को काफी वोट मिले, लेकिन इनका जो वोट प्रतिशत रहा उसमें बस वही 19-20 का डिफरेंस आया। 2024 में जो रिजल्ट आया शिवम जी वो बताता है कि जिनको ये मान के चलती थी कि ये हमारी भगवती है, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम इनके लिए हक में बोले या ना बोले, हम इनके परेशानियों में खड़े हो या ना हो, ये हमें हमारे अलावा किसी को वोट नहीं करेंगे, वो अब इनको दिखा कि नहीं, वो जागरूक है, अपने मुद्दों को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि किसके पास जाना है, किसको वोट करना है, कौन उनके हित के लिए खड़ा है। देखिए शिवम जी, आप बताइए, अभी जब से 2024 इलेक्शन का रिजल्ट आया तब से मायावती जी का जो है ट्वीट पे ट्वीट आता है और आप भी दिखा करके देखिएगा, उनका सिंगल ट्वीट नहीं आता है, वो लगातार एक दो तीन चार इकट्ठे आ रहे होते हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं। अगर नगीना की सीट नहीं, अगर हार जाते, जो वहां पे भी सांसद है, अगर वो सांसद नहीं होते तो भी ये शांत रहती। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि मैं तो जनता के बीच में रही नहीं और जनता ने इनको नकारना चालू कर दिया तो करे क्या, ये बौखलाहट है। लेकिन जनता ठीक है, बौखलाहट जानती है कि कौन कहां है, कितने बीच में रह रहा है। मैं आपके पास आऊंगा अनुशेवरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, प्रयागराज में
संविधान सम्मान समारोह में जाने के बाद राहुल गांधी के बयान के बाद, एक के बाद एक जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया उसके बाद, जैसे तो मायावती पूरी तरीके से पिच मिल गया उनको, वो कवर ड्राइव भी मार सकती थी, वो स्टेट भी मार सकती थी, और उन्होंने हर गली में चौके छक्के मारे, और एक सीधा मतलब जितने भी चौके छक्के मारे अनुज जी, वो आपको पता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसमें कॉमन था। उन्होंने कहा कि आज जो ये दलित प्रेमी बने, जो ये संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं, ना इन्होंने बाबा साहब का सम्मान किया, ना उन्हें भारत रत्न दिया, और ना ही जब आरक्षण में वो कह रही थी सेधमारी हो रहा था, क्रीमी लेयर वाली चर्चा थी, भारत बंद का ऐलान हुआ था, तो इसमें खुला समर्थन भी नहीं किया, तो काहे का दलित प्रेमी? अरुण जी देखिए, कल राहुल जी के सम्मेलन के बाद ये ट्वीट आया। इससे पहले क्या मायावती जी के सो रही थी? इससे पहले आज पूरे देश में जो दलित वोट था, जो पीडीए का फॉर्मूला आप कह रहे थे, ये पूरे देश में लोग समझ चुके हैं कि आज उनकी लड़ाई हक की कौन लड़ रहा है। राहुल जी लगातार कह रहे हैं 90% लोगों को दबाया जा रहा है। उनका कल भी भाषण में ये एक ही उद्देश्य था, मेरा फायदा हो या नुकसान हो, मेरा एक ही मकसद है कि मुझे जनगणना कराना नहीं है और इस देश के नीचे स्तर के व्यक्ति को ऊपर लाके खड़ा करें। आज जो आज पूरे देखिए, इसका आप फार्मूला समझिए, जो किसान नीचे लेवल पर मेहनत करता है उसका कहीं पे भी उत्थान नहीं है। नीचे जो जाटा समाज जूते का एक बहुत बड़ा वो माना जाता है कारीगर, वो जूता बनाता है, वो उसको दबाया जा रहा है, उसको बड़े एक्सपोर्टर और खा जाते हैं। आप और ट्रेड में भी चले, आज जो नीचे नाव है, नीचे नाव बाल काटता, उसका कहीं पे भी नाम और ना लेखा जोखा है, तो ये समझने का विषय है। राहुल जी का ये आज कल भी उन्होंने ये भाषण में ये कहा है, चाहे मेरा नुकसान भी होगा राजनीति, अनुज जी देखिए नुकसान या फायदा तो छोड़ दीजिए, अब मतलब मिस इंडिया में भी दलित और ओबीसी वहां पर खोजा जा रहा है सर, बाकी अब इसके आगे क्या ही बचा है, बाकी किस तरीके से दलित वाला कार्ड चला जा रहा है कि मिस इंडिया तक भी दलित खोजा जा रहा है, ये कहा जा रहा है भाई मिस इंडिया में दलित क्यों नहीं है, कमाल बात है। ठीक है कोई बात नहीं, अभी आपके पास आऊंगा। शांत प्रकाश जाटव जी मैं आपके पास आ रहा हूं, देखिए बीएसपी का पूरा अटैक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस केंद्रित है, यानी कि आप सेफ बचे हुए हैं बीएसपी से, तो ये जो पूजा जी और अनु जी जो लगातार कहते हैं कि बीएसपी आपको फायदा पहुंचाती है चुनाव लड़के, ये बात क्या साबित नहीं हो जाती है, खास करके भाई एक आरोप आप पर तो 1000 मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर। शांत प्रकाश जाटव जी देखिए, आप इन सबके कल परसों के जो भाषण है या इन्होंने जो बातें कही हैं उस पर एक विश्लेषण करो। सबका मकसद केवल जो शेड्यूल कास्ट का जो वोट है उसके ही इर्द गिर्द है। मायावती वो कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट का अहित किया है, तो प्रणति में आरक्षण तो 2012 में आपके समय में जो है वो उस पर कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया था, तो आपने उस वक्त में पूर्ण बहुमत में थी आपने उसमें उस वक्त में कानून बनाकर को इसको क्यों नहीं लागू किया, आपके पास में पूरा मौका था, और उस वक्त में हम लोगों ने तमाम तरीके से मायावती जी चूंकि उस वक्त सरकार में थी हमने इनको कहा भी, मगर इन्होंने वहां ना दे करके बल्कि हाई कोर्ट में भी ना जा करके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, और उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया तब भी हमने कहा कि हाई कोर्ट में जाने की आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट इसको निगलेक्ट वहां से डिबार कर देगा, और वही हुआ। वो जब वहां से ये चुनाव हार गई समाजवादी पार्टी के मौके सरकार बनी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जब वापस कर दिया तो ऐसे सूरत में समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी जो है उन्होंने उसको फाड़ कर फेंक दिया, उन्होंने हाई कोर्ट में उसकी अपील नहीं की, और जब संसद में उसको पारित करने के लिए ले जाया गया तो इनके सांसद ने जिस तरीके से उसको फाड़ा वो सब लोगों ने देखा। तो आप एक चीज देखें, 1,28,000
जो उत्तर प्रदेश के कर्मचारी उस निर्णय के कारण से रिवर्ट हो गए, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बने हुए थे वो जूनियर इंजीनियर बन गए, इन तीनों ने मिलकर के जिस तरीके से शेड्यूल कास्ट के साथ में अहित किया है वो सर्वविदित है और पूरी तरीके से इनकी लापरवाही के कारण से वो कर्मचारी जो है उनको शांत प्रकाश जी और अनुज जी पूजा जी, देखिए उत्तर प्रदेश में आलोक जी तो बहुत ही बेहतर से समझते हैं, उत्तर प्रदेश में इस वक्त दलित को खुश करने के लिए मतलब ऐसी राजनीति हो रही है कि अगर लंगड़ा इसे देखे तो मैराथन भागने लगेगा सर, अगर बहरा बहरा जो कभी ना सुनता वो सुनने लगेगा, अंधा हो तो देखने लगेगा, अगर अगर उसे भी दिखाई दे जाएगी दलित प्रेम। दलित शब्द असंवैधानिक है, प्लीज दलित ना बोल करके शेड्यूल कास्ट बोले। अच्छा ठीक, चलिए शेड्यूल कास्ट बस ठीक है। आलोक जी भाई कार्ड हर जगह खेला जा रहा है लेकिन पूरा जो बीएसपी का सेंटर है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, वो अटैकिंग मूड में है तो इन्हीं दो पार्टी पर। क्या ये दो पार्टियां वाकई में पहले इतना खेल खेल चुकी हैं जो बीएसपी भी प्रमुख इन पर अटैकिंग है या माजरा कुछ और है? आलोक जी देखिए भाई सबसे बड़ी बात है कि कोई पार्टी किस पर हमला करती है उस पर जो उसका वोट बैंक चोरी करने गया हो हाल ही में, तो बसपा को लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसका वोट बैंक चुरा लिए। हाँ। तो उस वोट बैंक पर तो हमला करना है ना उसको वापस लाने के लिए, इससे कहां गलत है। लेकिन बात यह थी कि बहन जी ने जो तथ्य कहे, क्या तथ्य गलत क्यों कहा वो दूसरी बात, हमने पहले बता दिया मैंने अपना वोट बैंक वापस लाना है, लेकिन बात होती कि बहन जी ने जो कहा क्या वो गलत कहा। बहन जी ने कहा कि मैं बाबा का अपमान किया कांग्रेस ने, क्या नहीं किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू ने हराने की पूरी प्रयास किया, हरा दिया। भारत रत्न की बात चली, जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते हुए अपने आप को भारत रत्न दे लेते हैं लेकिन बी आर अम्बेडकर दलित को भारत रत्न नहीं देते। चलो जवाहरलाल ने नहीं दिया, इंदिरा गांधी दे देती, इंदिरा गांधी स्वयं अपने को दिलवा देती है लेकिन एक दलित व्यक्ति को देती है। उसके बाद भी दलित प्रेमी आते हैं सारे के सारे लोग, चाहे समाजवादी पार्टी हो और भी लोग हो, उन्होंने बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न देने के लिए क्या प्रयास किया? कोई प्रयास किया? कोई प्रयास नहीं किया। दूसरी बताओ, जाति जनगणना 60 साल तक उनको कांग्रेस ने शासन किया, जाति जनगणना करवाई कितने लोग का था इनको? 2011 में जाति जनगणना करवाई कांग्रेस ने, उसे चिदम्बरम ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि देश में यह अंग्रेस पैदा करेगी। तो भैया अब तुम्हारे जो चिदम्बरम थे उन्होंने मना कर दिया, तुम प्रमुख शक्तिशाली व्यक्ति थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी सरकार चला रहे थे, तुमने 2011 में जो जातीय जनगणना करवाई थी उसके डाटा आपने 14% ओपन नहीं दिया। तो राहुल गांधी जो काम स्वयं नहीं कर पाए, जो स्वयं में थे 11 से 50 साल पहले की बात नहीं ना, बीजेपी ने सत्ता होने के पहले आप सत्ता में थे, आपने जाति जनगणना करवाई उसके जगह आपने ओपन नहीं किए और अब कहेंगे जाति जनगणना करवाना है? अजीत डोगरा करीब रहे राहुल गांधी का किस तरह करते हैं, आप सत्ता में होते हैं जाति जनगणना करवाते हैं और कहते हैं नहीं करते, और जब आप चुनाव हारने लगते हैं तो हिंदुओं को जाति में तोड़ने के लिए आप जाति जनगणना का मंत्र ले नहीं किया करते हैं। तो ये राहुल गांधी की हताशा है कि उनको लगता है कि हिंदू अगर हिंदू के रूप में रहेगा तो कांग्रेस कभी सर्वाइव नहीं कर सकती, समाजवादी पार्टी कभी सर्वाइव नहीं कर सकती, हिंदुओं को जाति में तोड़ो, जाति में तोड़ कर ठीक है। मैं आपके पास आऊंगा पूजा जी, मायावती तो आप पर आक्रमण कर ही रही है, लगातार कर रही है, यहां ओपी राजभर भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने सहयोगी दलों और बाकी जो उनसे छोटे नेता हैं या एक तरीके से छोटी पार्टी है उनसे उनको लोडर बनाते थे लेकिन बीजेपी लीडर बनाती है, तो वो लोडर आपको बता रहे हैं कि आपका जी आपके साथ जो रहता है आप उसको लोडर बना देते हैं, आप जाति आरक्षण की बात करते हैं, आप जो है पूरी तरीके से जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जब आपकी सरकार रहती है तो आप सम्मान देते नहीं है इनको, आप जब विपक्ष में जाते हैं तो आपका पूरा चाल चरित्र चेहरा तीनों बदल जाता है। पूजा जी देखिए शिवम जी, अगर आप ओपी राजभर जी की बात करते हैं तो ओपी राजभर जी अभी भाजपा के साथ में हैं, तो वो जो है उनकी जो मन की बातें हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने जो है 69,000 भर्तियों में जो छात्र थे जो अभ्यर्थी थे उनको कहा था कि लाख खाने योग्य हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि ऐसे इंसानों व्यक्तियों की जो है भाषाओं पर थोड़ा सा जो है ध्यान नहीं देना चाहिए,
क्योंकि इन ये अगर कल को हमारे साथ रहेंगे तो ये हमारी जैसी भाषा है वैसी भाषा बोलेंगे, हमारी भाषा संविधान की भाषा है तभी संविधान की भाषा बोलेंगे। अभी ये एनडीए के साथ में तो एनडीए की भाषा संविधान की है नहीं, तो ये बिना संविधान वाली भाषा बोलेंगे। हालांकि भाषा के प्रवक्ता को बड़ी तकलीफ हुई थी कि आपने जो है दलित शब्द यूज किया, ये जो है संवैधानिक नहीं है। अब मुझे इसकी बहुत पुख्ता जानकारी नहीं इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगी, पर हाँ मुझे लगता है चंडीगढ़ में जो किया था वो संवैधानिक था, और अभी जो 69 का धरती पे हुआ था वो भी संवैधानिक रहा होगा, इनके अकॉर्डिंग तभी किया होगा। हालांकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं मुख्यमंत्री जी की हमने चोरी की है पर ज्यादा नहीं की है, इसलिए चोरी नहीं मानी जाएगी। और आप लोग भी से जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही उन्होंने विश्लेषण किया। मुझे कभी ताजुब नहीं करते कि मैं ऐसा विश्लेषण कर दूं कि जिसको जिसका एक्सपेक्टेशन ना रखा जाए। तो बार बार ही कहते हैं कि कास्ट सेंसस जो है 2011 में किया गया था तो उसको पब्लिश क्यों नहीं किया गया, या फिर हमारी इन पे इनके हमें इससे पहले ही बहस हो चुकी है इस मुद्दे पर कि ये कहते हैं 2.5 साल का समय बहुत होता है, पब्लिश कर देना चाहिए था। पर हमने जो तथ्य पढ़े हुए हैं उसमें लगता है कि 2.5 साल का समय बहुत नहीं होता है। जब आप जो इतनी बड़ी संख्या में करते हैं कास्ट सेंसस करते हैं, उसका डाटा रेडी करते हैं, उसको पब्लिश करने में समय लगता है। हाँ 2015 में जो है ये जब पब्लिश होने के लिए आया तो भी आपने कुछ ही आंकड़े पेश किए। और अगर आप बताइए आलू जी, अगर पहले कुछ नहीं हुआ है तो आज नहीं होगा। आप बताइए क्या कास्ट सेंसस करना गलत है? मुझे लगता है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, एटलीस्ट ये तो पता चले कि किसकी कितनी जनसंख्या है, किसको कितना रिप्रेजेंटेशन देने की आवश्यकता है। और मायावती मुझे लगता है कि पूजा जी ठीक है, आलोक जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे कुछ, अनु जी मैं आपके पास आऊंगा। आलोक जी 30 सेकंड का समय, आप रिस्पॉन्ड कर लीजिए। जी बोलिए। मेरा मानना है जो 75 साल में जरूरत नहीं रही तो समाज को और विभाजन करने की जरूरत नहीं है। मैंने 30 सितंबर को बयान को फोन किया, उन्होंने कहा कि ये जाति विभेद पैदा करेगा, ये मेरा बयान नहीं है। 30 सितंबर का बयान है कि हम कॉस्ट सेंसस ओपन नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2.5 साल का कम समय, उन्होंने स्वयं कहा कि हम इसे ओपन नहीं करेंगे, ये समाज को विखंडित करेगा। तो 30 सितंबर से पूछा जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। बिल्कुल आई डोंट एग्री, ठीक है पूजा जी। अनुजी मैं एक बार जवाब देना चाहूंगी जी, कि बोला गया कि हम जो है सिमिल ईयर पे नहीं, तो आपको भी जानकारी होगी समाजवादी पार्टी ने भारत बंद का पूर्ण तरीके से समर्थन किया है। और मैंने पूछा जी, मैंने समाजवादी पार्टी का कोई आधिकारिक बयान अखिलेश यादव जी का इस समर्थन को लेकर नहीं सुना, माफ करिएगा जी। मैंने इस पूरे समर्थन को लेकर या जो भारत बंद का ऐलान किया गया था उसमें मैंने समाजवादी पार्टी का आधिकारिक बयान अखिलेश यादव जी का मैंने ये नहीं सुना, ना उनकी पार्टी की तरफ से कोई नेता इतना बड़ा आया और समर्थन कर दिया, मैंने नहीं सुना। बाकी अगर आप कह रही है तो चलिए देखनी चाहिए, आप हमें देखनी चाहिए बिल्कुल, हमारी पार्टी समर्थन में थी भारत बंद में। ठीक है अनुजी देखिए, मायावती जो भी कह रही हैं, चाहे वो कह रही हैं कि आज जो कांग्रेस ये दलित प्रेमी हो गई है अचानक से, ये बाबा साहब के मरणोपरांत पर ना केंद्र में जो है शोक सभा रखा गया था, ना राज्य में अखिलेश यादव की सरकार थी समाजवादी पार्टी वाले, ना इन्होंने कोई शोक सभा रखा, इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, इन्होंने मतलब पूरे उन्होंने फेरिस्त गिनवा दी लंबी चौड़ी। सवाल ये कि अचानक से जो ये मायावती का जो है दलित प्रेम अब उभर के आया, क्या ये उपचुनाव को लेकर है या वाकई में वो जो कहानी बता रही हैं उस कहानी में 90% सच्चाई भी है? देखिए दवे जी, पहले तो एक आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का सम्मान किया और बाबा साहब के संविधान को देखते हुए आज आप देखिए कि कांग्रेस के कारण पहले कितनी नौकरी दलित और ओबीसी को दी गई, वो आप रेशो उठाइए, आज का रेशो देख ली पहली चीज। दूसरी चीज आलोक जी कह रहे थे 2011 में लास्ट जनगणना हुई, पी चंद्रम का बयान कह रहे हैं, मगर उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2011 की लास्ट का ये प्रकरण है, इसके बाद 2012 और 2013 पूरे डिक्लेयर होनी थी, उसके बाद ये कहीं ना कहीं डिले हुआ, मगर कांग्रेस जनगणना ठीक है, कांग्रेस ने जनगणना कराई। शांत प्रकाश जी मैं आपके पास आता लेकिन समय का अभाव है, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए और शामिल होने के लिए, शांत प्रकाश जी आपका भी, अनुज जी आपका भी, पूजा जी आपका भी और आलोक जी आपका भी। तो चाल चरित्र और दोगलापन, मायावती एक के बाद एक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर अटैकिंग मूड में है, वो कह रही है कि जो आज दलित प्रेमी बने घूम रहे हैं वो बाबा साहब को न जीते जी सम्मान दे पाए न मरणोपरांत, इसलिए आज से
इनके साथ गठबंधन कभी नहीं करूंगी और यही दलित एससी एसटी यानी एससी एसटी और ओबीसी के हित में होगा और मैं इनसे कभी गठबंधन नहीं करूंगी। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।